शीतल जी गुड़गांव से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी मन बुद्धि व आत्मा का क्या संबंध है? हमारे विचार और उनकी प्रेरणा आत्मा द्वारा संचालित होती है या हमारे मन द्वारा? कृपया कर मार्गदर्शन। आत्मा निष्क्रिय है, उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं, सत भाषा आत्मस्वरूप निष्काम है, उसमें कभी कोई कामना जागृत नहीं, न सत न असत। जैसे लोहे का चुंबक हो ना, हम ऐसे रख दे और ऐसे लोहा हो उसके अनुपात के अनुसार, तो हम जैसे चुंबक करेंगे वैसे नाचेगा, पर चुंबक की इच्छा नहीं कि लोहा नाचे, चुंबक की इच्छा नहीं कि लोहा आकर्षित हो। ऐसे ही आत्मस्वरूप अचा है निष्काम, पर भारी पावर है, भारी पावर मतलब भगवान की आत्मस्वरूप से ना, भारी आत्मतत्व में पावर, उसके पावर से मन बुद्धि चित्त अहंकार इनमें स्फुरण होता है, चेतनता होती है। अब अगर ये गंदे संघ का, गंदे भाव का इसमें संचरण हो रहा है तो पावर गंदगी की तरफ ही, और अगर अच्छे भाव का तो अच्छे, वो जो आत्मतत्व से पावर उसका कोई चाह नहीं, जैसे चुंबक की कोई चाह नहीं, ऐसे वो आत्मतत्व की कोई चाह नहीं, और उसका हाई भी पावर है, हाई पावर आध्यात्मिक शक्ति गिर रही है अंतःकरण के ऊपर, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी से प्रकाशित हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। अब उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, ये खास बात देखनी। अब हमने अपने को शरीर मान करके इंद्रियों के भोगों में उस पावर को, तो वही मन गंदी बात सिखाता है, वही बुद्धि गंदा निश्चय कराती है, वही चित्त गंदा चिंतन करता है, अहंकार गंदी बात, मैंने भोगा, मैंने कमाया, मैं ये भोगूंगा, मैं ये भोग सकता हूं, ये सब अंतःकरण में हो रहा है। आत्म तत्व का इससे कोई मतलब नहीं। ये लोग कहते हैं यार आत्मा प्रसन्न हो गई, वो अज्ञानी जन है। आत्मा तो हर समय अखंड प्रसन्न रहती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। ना आग जला सकती है, आत्मा को आग नहीं जला सकती, शरीर को जला सकती, अस्त्र शरीर को भेद सकते हैं, कोई भी गोली आत्म तत्व को, आज तक कोई भी एक सर आत्म तत्व को नहीं पकड़ पाया। आत्म तत्व क्या, मन को नहीं पकड़ के, देखो ये मन जा रहा है, ऐसा कहीं पकड़ पाया, बस स्थूल को। तो आत्म तत्व सब का प्रकाशक है, उसी के प्रकाश में अब आप क्या करते हैं ये बात, उसी के सुधार के लिए सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय, कि आप अपने बल से मन को रोकिए, गलत आदतों में ना जाए, अच्छी आदत तो आपको आनंद आने लगेगा। और इसका आंतरिक रहस्य है कि जिस समय आप सही माने में धर्म से चलेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे तो इनका स्फुरण बंद हो जाएगा, जो मन बुद्धि का है ना, जो स्फुरण होता है ना गलत, ये शांत, जहां शांत हुआ तो जैसे निर्मल जल, शांत जल, हलचल रहित जल, तो नीचे क्या दिखाई दे, तो आपको आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। जहां बोध हुआ तो ऐसा आनंद, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक, कोई चाह नहीं, कोई सोच, अपार आनंद। उसी आनंद में तो संत महात्मा परम मन से डूबे रहते हैं। समझ आई बात?